Hello friends, myself Saidul Manan. Today we will discuss about standard 10 science chapter number 6, life process. This is a part 2 of this chapter. मैं पहले पार्ट में डिस्कस किया था काफ़ी सारी फोटोसिंथेसिस के बारे में डिस्कस किया था. अब और हम डीप में जा रहे हैं. नाउ लेट अस स्टडी हाउ द प्लांट ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड कैसे वो टेक करते हैं. तो उसके अंदर जो लीव्स जो होता है उसके अंदर यहाँ पर आपको दिया हुआ है एक फिगर इन राइट साइड. ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर आपको गार्ड सेल है. ठीक है, क्लोरोप्लास्ट है और स्टोमेटा पोर्स अवेलेबल है. तो आप यहाँ पर देख सकते हो विच आर टेनी पोर्स आर प्रेजेंट इन द सर्फेस ऑफ द लीव्स. मैसी अमाउंट ऑफ गैसियस एक्शंस टेक प्लेस इन द लीव्स थ्रू द दिस पोर्स ऑफ फॉर द पर्पज ऑफ फोटोसिंथेसिस. यहाँ पर क्या होता है, काफ़ी सारे पोर्स आप देख सकते हो कि अवेलेबल्स है. उसके अकॉर्डिंग जो क्या कहता है, वो एयर टेक करता है और एयर क्या करता है, अब आउटसाइड देता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड टेक करता है और ऑक्सीजन हमें आउटसाइड देता है. द इम्पोर्टेंस टू नोट दैट द एक्सचेंज ऑफ गैसेज अकर्स अक्रॉस द सर्फेस ऑफ स्टेम्स रूट्स एंड लीव्स एज वेल एज सिंस द लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कैन ऑल्सो बी लॉस्ट टू द स्टोमेटा. ठीक है, तो आपको ऐसा हो रहा होगा तो ये क्या है कि हमारा वहाँ पर नहीं होता स्टॉ, यहाँ पर हमारा आपको दिया हुआ है हाँ रूट्स स्टेम्स लीव्स एज वेल एज सभी जगह से क्या होता है कि हमारा गैसेस एक्सचेंज होता है. बट जो लीव्स में से जब हो रहा है तो उसके अंदर क्या है, काफ़ी सारा जो हमारा वाटर क्या होता है लॉस होता है. किसके अकॉर्डिंग होता है, स्टोमेटा, स्टोमेटा पोर्स आपको दिया हुआ था. आप देख सकते हैं यहाँ पर उसको हम एक प्रोसेस भी बोल रहे थे जैसे हमने पहले लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ा था हमने. ठीक है, तो ये अब क्लोज और ओपन कब होगा, तो एट अ टाइम जब प्लांट के अंदर द प्लांट क्लोजेज एट द पोर्स व्हेन द डज नॉट नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस. मीन्स ये जो है पोर्स है कब बंद होगा, जब उसके अंदर फोटोसिंथेसिस की ज़रूरत नहीं, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड टेक नहीं करना. एट अ टाइम्स क्या करता है, सोमेटा पोर्स है वो क्लोज रहते हैं, जैसे यहाँ पर आपको फिगर 2 में दिया हुआ है. ठीक है, एंड ओपनिंग एंड क्लोज ऑफ द पोर्स आर फंक्शन ऑफ इज गार्ड सेल. गार्ड सेल जो है उससे क्या होता है, उससे वो ओपन और बंद क्लोज होते हैं. जब वाटर जब उसको ओपन होना होता है द गार्ड सेल स्वेल्स व्हेन द वाटर फ्लो इन दैम कॉजिंग द स्टोमेटा पोर्स टू ओपन. सिमिलरली पोर्स क्लोज एंड गार्ड सेल स्ट्रेन. मीन्स जब उसको ओपन होना होता है तो गार्ड सेल क्या करते हैं, मीन्स उसके अंदर वाटर जब फील होता है, वाटर जब फील होगा तो क्या होगा, वो फूलेगा, मतलब इतना खुल जाएगा, वाटर फूल होगा. और जैसे वाटर आउटसाइड डाल रहा है मीन्स हमें पता है कि एवरी टाइम्स जो ट्रांसपिरेशंस जो कर रहे हैं, ठीक है, वो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस में क्या वो वाटर आउटसाइड दे रहा है, तो आउटसाइड जाएगा तो वो वापस सुकड़ जाएगा, सुकड़ जाएगा तो क्या होगा, वो क्लोज हो जाएगा. जब ओपन होगा तब कार्बन डाइऑक्साइड टेक कर लेगा, फिर वो क्या करेगा, वाटर आउटसाइड डालेगा मतलब बाहर निकाल लेगा, तो क्या होगा, ऑटोमेटिक वो सुकड़ जाएगा. इस तरह से वो गार्ड सेल उसको क्या करते हैं, उसको गाइड करते हैं. इसी तरह से यहाँ पर आपको एक्टिविटी दिया हुआ है, 2 बेल जार है, उसके अंदर हमने एक पोटेशियम हाइड्रो साइड का हमने एक प्लेट रखा हुआ है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और एक के अंदर कुछ नहीं रखा हुआ है. आप उसको आफ्टर सम टाइम्स आप उसको देखोगे, ठीक है, तो उसको उसके अंदर आप दोनों को उसके बाद उसको ऑब्जर्व करोगे. तो हमने जैसे स्टार्स की जब प्रेजेंसी वाला जब देखा था तो उसके अंदर आप ऑब्जर्व करोगे, तो यहाँ पर जब हमारा जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड वाला जो जार है उसके अंदर जो लीव जो है वो क्या होगा कि उसके अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा. यहाँ पर फोटोसिंथेसिस दिखाई देगा, क्यों, कि जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो क्या करता है, वो जार के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड टेक कर लेता है. क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड वो ले लेगा. यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जार में अवेलेबल ही नहीं है, तो क्या होगा कि यहाँ पर फोटोसिंथेसिस कंप्लीट नहीं होगा. यहाँ पर क्या होगा, फोटोसिंथेसिस थोड़ा बहुत होगा. इस तरह से आप देख सकते हो कि विदाउट कार्बन डाइऑक्साइड हम क्या करते हैं कि भाई फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, और कार्बन डाइऑक्साइड होगा तभी क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होगा. इसीलिए जब हमारा कोई भी प्लांट जो है, ठीक है, उसको आप बंद रखते हो या कहीं कमरे में रख देते हो, तो आप देख सकते हो कि भाई उसके अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा. फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो क्लोरो अपना फूड नहीं बनाएगा, ठीक है, तो उसके क्या होगा, आपको स्टार्स की प्रेजेंस भी आपको नहीं दिखेगी. अब यहाँ पर देख सकते हो व्हेन सो फार वी हैव टू टॉक अबाउट द ऑटोट्रॉफिक मेड देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट बट दे ऑल्सो नीड द रॉ मटेरियल्स फॉर बिल्डिंग देयर द बॉडीज. वी यूज फोटोसिंथेसिस इज टेक अप फ्रॉम द सॉइल बाय द रूट्स एंड टेरेस्ट्रियल
plants. Other materials like nitrogen, phosphorus, iron and magnesium are taken up from the soil. ठीक है, हमने देखा भाई, हमने ऑटोट्रॉपिक की जब बात करें तो फोटोसिंथेसिस कर रहा है, तो उसके लिए काफ़ी सारे रॉ मटेरियल्स चाहिए, जैसे एनर्जी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए, कुछ कार्बोहाइड्रेट्स जब मतलब न्यूट्रिशंस चाहिए, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, आयरन है, मैग्नीशियम, वो सब कहाँ से ले रहा है, वो सॉइल में से वो ले रहा है. ठीक है, समटाइम्स जो है फोटोसिंथेसिस प्रोटीन एंड अदर कंपोनेंट्स भी चाहिए, तो वो कहाँ से ले रहा है, वो सॉइल में से टेक कर रहा है. समटाइम्स कुछ ऐसे बैक्टीरियाज भी है, तो आपको हो रहा होगा सर नाइट्रोजन जो है तो हमारी एयर के अंदर तो 78% है, तो डायरेक्ट क्यों नहीं ले रहा है, वो डायरेक्ट वो नहीं ले सकता, तो उसके लिए जो राइजोबियम जो बैक्टीरिया जो हम पहले वाले स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं, राइजोबियम जो बैक्टीरिया है वो हमारे एनवायरमेंट में से नाइट्रोजन टेक कर, वो क्या करते हैं सॉइल के अंदर मिक्स कर दे, मिक्स करने के बाद वो ले रहा है. तब देख सकते हो यहाँ पर ऑटोट्रॉपिक है, उसके लिए उतनी चीज़ चाहिए. अब जो बात है हेटरोट्रॉपिक, हेटरोट्रॉपिक के अंदर हम आएंगे, ईच ऑर्गेनिजम्स आर एडेप्टेड टू ईट एनवायरमेंट, न्यूट्रिशन डिफर डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ फूड मटेरियल एज वेल एज दिस हाउ इट इज़ ऑब्टेन बाय द ऑर्गेनिज्म. फॉर एग्जाम्पल वेदर द फूड सोर्स इज स्टेशनरी और मोबाइल सच एज डियर would allow the difference in how the food is accessed as what is the nutritive life apparatus used by the cow and lion. मैं सब देख सकते हम जो है हम क्या है किसी भी तरीके से हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम किस पर डिपेंडेंट है कि हम एनवायरमेंट पर डिपेंडेंट है. हम एनवायरमेंट में मतलब फूड के लिए हम प्लांट पर डिपेंडेंट है, तो प्लांट पर डिपेंडेंट है तो बेसिकली टू टाइप्स के सोर्स फूड्स अवेलेबल्स होते हैं, एक रनिंग और एक स्टडी. स्टडी के अंदर जो है हमारे जो प्लांट जो आते हैं स्टेशनरी और मोबाइल मतलब जो घूमते हैं, जैसे कि डियर है, ठीक है, जैसे अदर जो हमारे चिकन है, ठीक है, काउ है, बफेलो है, जो जो मतलब जो ईट करते हैं वो क्या हमारा रनिंग फूड है. इस तरह से वो क्या करता है कि जो हमारी फूड हम टेक करते हैं. सम ऑर्गेनिजम्स ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल्स आउटसाइड द बॉडी एंड एब्जॉर्ब इट. वो क्या करते हैं समटाइम्स कोई चीज़ फूड जो है आउटसाइड ब्रेक कर कर वो उसको ईट करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फंगस लाइक ब्रेड मोल्स ईस्ट एंड मशरूम अदर टेक द होल मटेरियल्स एंड ब्रेक डाउन इनसाइड देयर बॉडीज. व्हाट कैन बी टेकन एंड एनी ब्रोकन डाउन डिपेंडिंग ऑन द बॉडीज डिजाइन एंड द एनिमल्स विदाउट किलिंग देम. द parasite nutritive strategy is used by the wide variety of organisms like cascata, umbrella ticks, lice and leeches and tapeworms. Means कुछ जो animals जो हमें देखा जैसे lion है तो अपना food outside से मतलब वो break कर कर वो eat करते हैं. कुछ जो trees जो है तो क्या करता है जैसे fungus है वो क्या करता है bread yeast है mushroom है वो सब क्या है अपना फूड इनसाइड जाकर वो ब्रेक अपने बॉडी में जाकर वो ब्रेक करते हैं. ठीक है, तो इस तरह से उनकी बॉडी डिजाइंस होती है. ठीक है, तो बेसिकली जो डिफरेंट डिफरेंट जो है डिफरेंट डिफरेंट जो कैटेगरीज में जो है ठीक है डिफरेंट डिफरेंट तरीके से क्या होता है वो हमारा डाइजेशन होता है. जैसे ह्यूमंस भी इनके हम आगे आगे बात करने वाले हैं. ठीक है, तो हमने देखा कि कुछ जो एनिमल्स है वो काफ़ी सारे एनिमल्स वो अपना फूड बाहर ही ब्रेक डाउन कर करते हैं, कुछ जो है वो इनसाइड जाकर करते हैं, तो इस तरह से क्या करते हैं. और कुछ जो प्लांट जो है जैसे कसकटा जो है ठीक है टेक्स है लाइस है लीचीज है वो क्या करते हैं किसी पर बैठ कर जैसे कि हमने व्हेल व्हेल जो होती है वो क्या करते हैं किसी प्लांट पर अवेलेबल होगी तो वो क्या करते हैं उस प्लांट जो फूड बना रहा है तो वो वहाँ से डायरेक्ट ही ले लेगा ठीक है अपना फूड फूड नहीं बना रहा है. इस तरह से क्या करते हैं न्यूट्रिशंस करते हैं. पर सभी को एनर्जी चाहिए. हाउ डू ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशंस सिंस द फूड एंड दे वे इट इज ऑब्टेन डिफर. डाइजेशन सिस्टम इज डिफरेंट इन वेरियस ऑर्गेनिजम्स. इन सिंगल सेल ऑर्गेनिजम द फूड मे बी टेकन इन बाय द एंटायर सरफेस. मीन्स ये सभी के अंदर डाइजेशन सिस्टम क्या है डिफरेंट डिफरेंट होती है. तो सिंगल सेल्स के बारे में बात करें दिस इज अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट अमीबा के लिए आपको पूछा जाएगा. ठीक है, तो वो तो क्या सिंगल सेल से सभी चीज़ किससे बना हुआ है सिंगल सेल से बना हुआ है तो उसके लिए कोई स्पेशलाइज फंक्शंस अवेलेबल नहीं है. वो क्या है अपना जैसे ह्यूमन बींग की बात करें मल्टी सेल्स तो अपने खाने के लिए हैंड है मूवमेंट करने के लिए लेग है. ठीक है,
ठीक है, देखने के लिए आई है, सब कुछ है, डिफरेंट डिफरेंट है, तो यहाँ पर सिंगल है तो सब कुछ एक ही है, तो वो क्या करता है, तो सभी चीज़ एक ही से ही करता है, तो मूवमेंट करने के लिए या कोई भी चीज़ फूड टेक करने के लिए कहते हैं एक पूरे बॉडी में एक ही सेल, तो उससे ही करता है, तो उसके अंदर जो अमीबा टेक फूड फॉलोइंग द यूजिंग द टेम्पररी फिंगर लाइक एक्सट्रैक्शन ऑफ द सेल सरफेस विद द फ्यूज ओवर द फूड पार्टिकल्स फॉर्मिंग द फूड वैकल्स इनसाइड द फूड वैकल्स कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस आर ब्रोकन इंटू सिंपल वंस वीज देन डिफ्यूज इन टू द क्लोरोप्लास्ट। मीन्स वो क्या करता है कि जैसे फूड जिसको उसको दिखाई दे रहा है तो वो अपने टेम्परेरी फिंगर लाइक्स एक्सट्रेशन, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रेस्पोडिया बोलेंगे, प्रेस्पोडिया भी हम उसको बोल सकते हो, मतलब खोटा पग, मतलब वो गलती से उल्टा दिखाएगा, ठीक है, उसका कोई स्ट्रक्चर फिक्स नहीं होता, वो किसी भी स्ट्रक्चर में आ सकता है, ठीक है, तो फूड को क्या करेगा, अपना फूड को घेर लेगा और फूड वैक्यूल्स जो है अंदर वो इस तरह से क्या करेगा, फूड वैक्यूल्स बना लेगा, मतलब ऐसे घोल बना देगा, और उसके बाद क्या करेंगे, उसके जो अंदर क्लोरोप्लास्ट है मतलब उसको डिफ्यूजन्स करने वाले जो चीज़ है उसको क्या करेगी, फूड को टेक करेगी, उसके बाद उसको क्या करेगी, डिफ्यूजन करेगी, डिफ्यूजन्स करने के बाद वो क्या करते, वो डिफ्यूजन करने के बाद जो उसके अंदर जो न्यूट्रिशंस आई वो ले लेती है, और जो वेस्ट जो है वो अदर पार्ट में से या कहीं से उसको क्या करती है, इसी तरह से उसको रिमूव करती है। इसी तरह से पैरामीशिया में भी वही चीज़ हो रही है, वो क्या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म द सेल हैज़ डिफाइंड द शेप एंड फूड इज टेकन इन द स्पेसिफिक स्पॉट, फूड इज मूव इन द स्पॉट बाय द मोमेंट इज सिलिया विच कवर द एंटायर सरफेस ऑफ द सेल्स। पैरामीशियम है वो क्या है, यूनिसेल्यूलर है, वो भी सिंगल है, बट उसके अंदर क्या है, उसका डिफाइनड शेप्स अवेलेबल होता है, और उसके अंदर एक स्पेसिफिकल स्पॉट मीन वहाँ से ही खाना एंटर होगा, उसके अंदर ऐसा स्पॉट है तो वहाँ से ही होगा, बट अमीबा के अंदर ऐसा नहीं, अमीबा के अंदर जहाँ से उसको फूड दिखा दिया तो क्या करता है, खोटे पग उसके मतलब प्रेस्पोडिया बना लेता है, मतलब उल्टे फिंगर्स बाहर निकालेगा, उसको घेर लेगा, तो प्रेस्पोडिया जो है ठीक है वो क्या करेगा, उसको वो वहाँ से गेन कर लेगा। अब उसके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट जो है उसको वो क्या करेगा, एक्सक्रेशन करेगा, और वो फूड को टेक कर कर उसको वो क्या करेगा, ब्रेक कर लेगी, उसमें से जो भी चीज़ उसको टेक करना है न्यूट्रिशंस लेकर जो वेस्ट इसी तरह से वो बाहर निकाल देगी। दिस इज़ अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको डायग्राम के साथ ड्रॉ करना है, तो ठीक है, तो न्यूक्लियस आपको दिखाया हुआ है, ठीक है, फूड पार्टिकल्स आ रहे हैं, फूड पार्टिकल्स को वो क्या कर रहा है, उल्टे पग्स दिखा रख कर वो क्या करता है, उसको टेक कर लेगा, उसके बाद उसको वो अपनी बॉडी में एंटर कर लेगा, यहाँ पर उसको डाइजेस्ट करेगा, और डाइजेस्ट करने के बाद वो क्या करेगा, उसको वो बाहर तरफ निकाल देगा जो वेस्ट है वो। ये हमारा टॉपिक आ रहा है वेरी मोस्ट टाइम पी है, 5 मार्क्स के लिए वेरी वेरी मोस्ट टाइम पी हमारा ये क्वेश्चन है, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग, हमारी ह्यूमन बींग के अंदर न्यूट्रिशंस कैसे होता है, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल इज़ बेसिकली अ लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंडिंग द फॉर द माउथ टू द एनस, ठीक है, जो माउथ जो ह्यूमन बींग का जो न्यूट्रिशंस हो रहा है, ठीक है, तो माउथ से एनस तक जो पूरी प्रोसेस हो रही है उसको हम क्या बोलेंगे, एलिमेंट्री कैनाल बोलेंगे, ठीक है, उसके अंदर सब कुछ आ जाएगा। अभी हम चीज़ पढ़ने वाले, वी कैन सी दैट ट्यूब हैज़ डिफरेंट पार्ट एंड वेरियस रीजन्स एंड स्पेशलाइज टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, व्हाट हैपन टू फूड वंस इज एंटर इन आवर बॉडी, वी शैल डिस्कस दिस प्रोसेस हियर, ठीक है, एक बार हमारी फूड जब बॉडी में एंटर होगा उसके बाद हमारी क्या क्या चीज़ हुई वो हमें डिस्कस करना है। ये नॉर्मली अपर साइड हमें एक दिया हुआ एक्टिविटी कि भाई जो हमारा एक सॉल्यूशन है उसके अंदर जब हमने जो चीज़ को हमने खा लिया हुआ है ऑलरेडी हमने ईट किया हुआ उसको ले लो और विदाउट ईटिंग वाले को ले लो, अब दोनों को अंदर चेक करोगे तो एक के अंदर आपको स्टार्च की प्रेजेंस दिखाई देगी और इसके एक के अंदर आपको स्टार्च की प्रेजेंस नहीं दिखाई देगी, जो चीज़ हमने खाया हुआ है वो, ठीक है, तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर वो हमारे जो सलाइवा जो ग्रैंड जो है वो क्या करेंगे हमारे माउथ के अंदर वो स्टार्च की एब्जॉर्प्शन कर लेंगे, ये अभी आगे आने वाला था आपको ज़्यादा पता चलेगा। वी ईट वेरियस टाइप ऑफ फूड विच हैज़ पास टू द सेम डाइजेशन ट्रैक नेचुरली, द फूड हैज़ टू बी प्रोसेस टू जनरेट पर्टिकुलर व्हिच आर स्मॉल एंड ऑफ द सेम टेक्सचर, दिस इज अचीव बाय द क्रशिंग द फूड विद आवर टीथ, सिंस द लाइनिंग ऑफ द कैनाल इज सॉफ्ट द फूड इज ऑल्सो वेटेड टू मेक द पैसेज माउथ स्मूथ, मीन्स जब फर्स्ट जो हमारा जो पार्ट है एलिमेंट्री जो कैनाल का जो माउथ है, माउथ के अंदर क्या होता है कि माउथ के अंदर जब हमारे
जो फूड जब एंटर होता है तो उसको हमें क्या करना है, उसको हमें तो फर्स्ट कटिंग करना होता है, क्रशिंग करना होता है, ठीक है, चीविंग यहाँ पर करना होता है। तो चीविंग जब करेंगे तो उसके अंदर जो हमारी, उसको सॉफ्ट करने के लिए, क्योंकि जब हमें आगे पास करना है तो उसको हमें क्या करना है, सॉफ्ट कर कर आगे पास करना है। तो जो हमारी जो माउथ के अंदर जो है लाइनिंग ऑफ द कैनाल इज सॉफ्ट, द फूड इज ऑल्सो वेटेड टू मेक द पैसेज स्मॉथ स्मूथ। वैन वी ईट समथिंग वी लाइक अवर माउथ वाटर्स, दिस इज एक्चुअली नॉट ओनली वाटर बट फ्लूड कॉल इज सलाइवा सेक्रेटेड बाय द सलाइवरी ग्लैंड। अनदर एस्पेक्ट ऑफ द फूड इज इट कॉम्प्लेक्स नेचर। इफ इट इज टू बी एब्जॉर्ब फॉर द एलिमेंट्री कैनाल इट हैज़ टू बी ब्रोकन इंटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स एंड दिस इज डन विद द हेल्प टू बायोलॉजिकल कैटालिस्ट इज कॉल्ड एंजाइम्स। ठीक है, जब हम कोई भी चीज़ जब हम ईट कर दे तो ईट करने के बाद क्या होता है, आपको आफ्टर सम टाइम्स आपको ऐसा फील होगा कि भाई हमारे माउथ के अंदर कोई पानी वाली चीज़ हमारी आ चुकी है। ठीक है, तो पानी वाली चीज़ क्या हो चुकी है, ये जो है ये क्या हमारा सलाइवरी जो ग्लैंड जो है वो क्या करता है, सलाइवा मतलब उस पर स्त्राव करता है, मतलब एक लिक्विड उस पर वो डालता है, लिक्विड डालेगा तो ये जो हमारा जो माउथ के अंदर जब हम चीविंग जो कर रहे हो हमारे लिए ईजी होगा, उसके मॉलिकल जो होंगे वो क्या होंगे वेरी वेरी स्मॉल के अंदर वो क्या होंगे स्मॉल स्मॉल्स हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो हमारे बायोलॉजिकल जो कैटालिस्ट जो है उसको हम क्या बोलेंगे एंजाइम बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे एंजाइम। तो सलाइवा कॉन्टैक्ट एंड एंजाइम इज कॉल्ड सलाइवरी एमाइलेज, उसको हम क्या बोलेंगे जो एंजाइम जो ये वाटर वाला जो लेवल जो है वो सलाइवा से जो उस पर डालते हैं मतलब एक्सट्रैक्ट करते हैं उसको हम क्या बोलेंगे सलाइवरी एंजाइम बोलेंगे। ठीक है, सलाइवरी एंजाइम बोलेंगे, दिस इज अ ब्रेक डाउन द स्टार्च विद द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स टू गिव सिंपल शुगर, दिस इज अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो हमारी माउथ के अंदर जब हमारा फूड एंटर होगा तो उसके अंदर सलाइवरी ग्लैंड जो है उस पर वो स्त्राव करेगी, ठीक है, एंजाइम का स्त्राव करेगी, और उसके माउथ के अंदर हमारे फूड में से जो स्टार्च जो है फूड के अंदर वो क्या होगा हमारा एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो हमारे माउथ के अंदर क्या फूड में से स्टार्च चला गया, तो फूड इज़ मिक्स थ्रूली द विद द सलाइवली एंड माउथ अराउंड द माउथ वाइल द चीविंग बाय द मस्कुलर टंग। हमारी जो टंग है वो क्या करती है ये जो माउथ के अंदर जो फूड है उसको मिक्सिंग करते ही रहती है, और सलाइवरी जो ग्लैंड जो है वो स्टार्च का क्या करते हैं एब्जॉर्ब करते हैं। दिस इज़ अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो हमारे फूड में स्टार्च है वो क्या होगा हमारा वो एब्जॉर्ब करेगा, उसको माउथ का हम बकल कैविटी भी बोल सकते हैं। ठीक है, जब आपको एक क्वेश्चन पूछा जाए आपको कंपलसरी डायग्राम ड्रॉ करना है, 1 मार्क्स हमारा डायग्राम का होगा। अब चलो फूड को हमने कटिंग कर लिया, फूड को हमने ठीक है स्टार्च ले लिया, इट इज़ नेसेसरी टू मूव द फूड इन रेगुलरली मैनर टू अलोंग द डाइजेस्टिव ट्यूब सो दिस दैट इज कैन बी प्रोसेस प्रॉपरली इन ईच पार्ट। द लाइनिंग ऑफ द कैनल इज मस्कुलर एंड द कॉन्ट्रैक्ट द रिदमेटिकली रिदमेटिकली इन ऑर्डर टू पुश द फूड फॉरवर्ड। दिस पेरिस्टिकली पेरिस्टिकल मोमेंट्स अकर ऑल एलोंग विद द गट, मीन्स जब ये हमने फूड को ईट कर लिया, अब उसको हमने कटिंग भी कर लिया स्मॉल स्मॉल, अब उसको क्या करना है डाइजेस्टिव सिस्टम एलिमेंट्री कैनाल्स के अंदर आगे भी पास करना है। तो जो हमारा जो सेकंड जो पार्ट है जो एरिस्टेलिक मोमेंट्स जो है वो क्या होगी वो कंप्रेस होगी, और कंप्रेस करके उसको पुश पुश करके वो क्या होगी, अब देखो यहाँ से हमारा फूड कहाँ पर आ जाएगा हमारे यहाँ पर हमारा आ जाएगा। ठीक है, वो क्या करेगी स्टमक के अंदर वो पास कर देगी। ठीक है, उसको हम एसोफेगस भी बोल सकते हैं। फ्रॉम द माउथ द फूड टेकन टू द स्टमक थ्रू द फूड पाइप इज एसोफेगस बोलेंगे। ठीक है, जो ये पाइप जो उसको हम क्या बोलेंगे एसोफेगस बोलेंगे। तब स्टमक इज लार्ज ऑर्गन विच एक्सपांड व्हेन द फूड एंटर इट, मस्कुलर वॉल्स ऑफ द स्टमक हेल्प इज मिक्सिंग द फूड थ्रू द मोर डाइजेस्टिव जूसेस। ठीक है, अब उसके अंदर स्टमक के अंदर आ गया, तो स्टमक के अंदर काफ़ी सारे जूसेस है वो क्या करते हैं उसके अंदर जब एंटर होंगे मतलब ये फूड पर क्या करते हैं डाइजेस्टिव जूस डालेंगे, उसको और डाइजेस्ट करना है। ठीक है, तो डाइजेशन इन स्टमक इज टेकन केयर ऑफ द बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द स्टमक विच इज रिलीज द हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम इज कॉल्ड पेप्सिन एंड म्यूकस, मीन्स
स्टमक के अंदर क्या है उसकी बाजू वाली जो बार वाली जो कोर है उसको हम क्या लेंगे, गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलेंगे। वो क्या करेंगे उसके अंदर स्टमक के अंदर थ्री चीज़ उस पर डालेगा, रिलीज करेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स, प्रोटीन का डाइजेस्टिंग एंजाइम करने वाला पेप्सिन डालेगा। क्या डालेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन और हमारा म्यूकस, म्यूकस उस पर वो क्या कर लेगा, वो डालेगा। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज क्रिएट द एसिडिक मीडियम विच इज फैसिलिटीज द एक्शन ऑफ द एंजाइम पेप्सिन्स। ठीक है, व्हाट अदर फंक्शंस डू यू थिंक सर्व्स बाय द एसिड, म्यूकस प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ द एसिड अंडर नॉर्मल कंडीशंस। मीन्स हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये तो क्या है, कितना हमारे एसिड हमारी जो बॉडी को टच भी हो जाए जो प्योर होगा तो हमारी स्किन को प्रॉब्लम कर सकता था, ये तो हमारी बॉडी में है, तो उसको प्रोटेक्शन करने के लिए म्यूकस अवेलेबल होते हैं, उसको क्या कहते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, जब हमारे फूड पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालेंगे तो म्यूकस का वर्क क्या है, उसको प्रोटेक्ट करना है, उसको हमारी जो वॉल जो है उसको क्या करना, प्रोटेक्ट करना, वो जलने नहीं देना है। और जो पेप्सिन जो एंजाइम जो उस पर जब डालेंगे तो ये क्या करेगा, ये प्रोटीन जो वाले जो फूड के अंदर जो सब्सटेंस है मॉलिक्यूल्स है उसको वो क्या करेगा, सेपरेट कर देगा। वी हैव द हैड एडल्ट कंप्लेनिंग अबाउट एसिडिटी। ठीक है, हमारे जब एडल्ट जो होते हैं तो हमारे क्या कहते हैं, एसिडिटी की, हमें भी एसिडिटी की प्रॉब्लम्स हो जाती है, तो क्यों भी जब हमने फूड ईट किया हुआ है तो काफ़ी सारा एसिड उस पर क्या होगा डालेंगे, एसिड इस पर इतना आएगा तो हमारा पूरा जो मीडियम जो है एसिडिक हो जाएगा, इसीलिए हमें एसिडिटीज़ होगी। ठीक है, द एग्जिट ऑफ द फूड फ्रॉम द स्टमक इज रेगुलरली बाय द स्पंचलर मस्कुलर विच इज़ रिलीज द स्मॉल अमाउंट ऑफ इन द स्मॉल इंटेस्टाइन फ्रॉम द स्टमक द फूड नाउ द एंटरिंग द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, स्पिंकलर करके जो मस्कुलर जो है अब जो जो हमारे स्टमक में से क्या करेगा, उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर वो डाल देगा। ठीक है, फूड नाउ एंटरिंग स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, मतलब फूड आ गया, द लार्ज पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल विच इज फिटेड इन टू द कॉम्पैक्ट स्पेस बिकॉज द एक्सटेंसिव कूलिंग। ठीक है, कॉइलिंग, द लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन डिफर इन वेरियस एनिमल डिपेंडिंग ऑन द फूड दे ईट। ये एलिमेंट्री कैनाल का सबसे बड़ा पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन, ये क्या है पूरे रोलिंग टाइप में। ठीक है, कॉइलिंग टाइप जो हमारे कॉइलिंग जो है, ठीक है, कॉइलिंग इस तरह से घूसले टाइप, वो क्या होता है हमारे नॉर्मल, उसकी जो हम लेंथ बताओ तो 7.5 मीटर, उतना बड़ा हमारे उसके अंदर हम स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स के अकॉर्डिंग टू डिफरेंट डिफरेंट होता है उसका फूड किस तरह का, वो उसको हमें ईट करना है। एनिमल्स के अंदर ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो है नाम से स्मॉल है, ह्यूमंस के अंदर बिग होता है, बट हमारे उसके अंदर एनिमल्स के अंदर वो स्मॉल होता है। ठीक है, वो क्या करता है, वो ग्लूकोज का डाइजेस्ट करता है। ठीक है, मीट का डाइजेस्ट करने के लिए वो उसके अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो फास्टली हो जाता है, इसलिए वहाँ पर स्मॉल है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइड ऑफ द कम्प्लीट डाइजेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स। अब जो हाया है वो जो फुल्ली डाइजेशन कहाँ पर होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होगा, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स का क्या होगा, यहाँ पर डाइजेशन होगा, मतलब द रिसीव द सेक्रेशन ऑफ द लीवर एंड पैंक्रीज फॉर दिस पर्पस। वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन भी क्या करता है, उस पर पैंक्रीज, मतलब पैंक्रीज टाइप का एक लीवर और पैंक्रीज टाइप का एक उस पर स्त्राव करता है। द स्पूल कमिंग फ्रॉम द स्टार्च इज एसिडिक एंड हैज़ द मेड ऑफ अल्कलाइन ऑफ द पैनक्रीज एंजाइम टू एक्ट बाय जूस फ्रॉम द लीवर एकम्प्लीज दिस इज एडिशन टू एक्टिंग ऑफ फैट। अब जो ये हमारे जो स्टमक में से आया था वो तो एसिड वाला जो हमारा पूरा पार्ट था, तो एसिड वाला है तो उसको हमें अल्कलाइन मतलब उसको बेस में कन्वर्ट करना है, तो उसके पैनक्रीज एंजाइम्स उस पर बाइल जूस डाले जाते हैं। बाइल जूस दिस इज अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। बाइल जूस किस लिए यूज़ होता है, कि जो हमारा एसिडिक है जो फूड उसको बेस करने के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, एक्टिंग ऑन फैट, फैट आर प्रेजेंट इन इंटेस्टाइन इज अ फॉर्म ऑफ लार्ज ग्लोबल्स विच मेक इट्स डिफिकल्ट फॉर एंजाइम्स टू एक्ट ऑन देम। बाइल सॉल्ट्स ब्रेक देम डाउन इन द स्मॉलर ग्लोबल्स इंटेस्टाइन इंक्रीजिंग द एफिशेंसी ऑफ एंजाइम एक्शन। द स्मॉलर ऑफ द इमल्सिफाइंग
एक्सेंट ऑफ सॉप और डर्ट वी हैव लर्न अबाउट इन चैप्टर नंबर 4 पैंक्रीज सेक्रेट पैंक्रेटिक जूसेस विच कंटेन द एंजाइम लाइक ट्राइप्सिन फॉर डाइजेस्टिंग प्रोटीन एंड लिपेस फॉर ब्रेकिंग डाउन द एमल्सिंग फैट्स. मीन्स अब जो ये फैट जो है ठीक है वो इजीली क्या है कि ये पेप्सिन जब उस पर डालेंगे तो इजीली ब्रेक नहीं होगा, तो उसको क्या करता है कि उसको और अल्कलाइन करना पड़ता है. ठीक है, जब हमने देखा जब जो डर्टी वाला जो हमारा कोई क्लोथ जो है ठीक है उसको हमें वॉश करना था, उसको हम सॉप डालते हैं. ठीक है, उसके बाद क्या ऑटोमेटिकली डर्ट बाहर निकलता है. ये एक मेथड जो है चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे. ठीक है, तो पैनक्रीज जो है पैनक्रीज जूस क्या करेगा, वो एंजाइम्स जो फूड के जो एंजाइम जो है ठीक है उस फैट के जो एंजाइम जो उसको ब्रेक डाउन कर लेगा. ठीक है, एंड एंजाइम लाइक ट्राइप्सिन जो है वो क्या करता है प्रोटीन का डाइजेस्ट करते हैं. दिस इज़ अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट. यहाँ पर जो तीन लाइन जो है वेरी ट्राइप्सिन जो है वो प्रोटीन का डाइजेस्ट करते हैं और लिपेज जो है वो क्या करते हैं हमारे फैट का इमल्स मतलब उसको ब्रेक करते हैं. द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन द ग्लैंड विच सेक्रेट इंटेस्टाइन जूस. द एंजाइम प्रेजेंट इन द फाइनली कवर्ड विद द प्रोटीन्स टू एमिनो एसिड. मीन्स अब जो है अब वो क्या है जो देखो फैट भी अलग हो गया, कार्बोहाइड्रेट भी अलग हो चुका है और प्रोटीन्स भी डिफरेंट हो चुका है. अब जो उस पर एंजाइम्स जो है जो इंटेस्टाइन जूस जो डालेंगे इंटेस्टाइनल जूस जो उस पर जब सेपरेट करेंगे तो जो प्रोटीन का है प्रोटीन को एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देगा, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा और फैट जो है उसको हम ग्लाइसरोल के अंदर कन्वर्ट करेगा. दिस इज़ अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट. ऊपर क्या हुआ कि जो ट्राइप्सिन जो है प्रोटीन का डिफरेंट कर दिया है, जो लिपास जो है वो फैट को डिफरेंट कर देती है और कार्बोहाइड्रेट तीनों ही डिफरेंट है. अब जो इंटेस्टिनल जो जूस जो है वो क्या करते हैं प्रोटीन को एमिनो एसिड में कन्वर्ट करेंगे, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज के अंदर और फैट के अंदर फैटिक एसिड या ग्लिसरॉल के अंदर कन्वर्ट कर देंगे. ठीक है, डाइजेशन फूड इज टेकन बाय द वॉल्स ऑफ द इंटेस्टाइन. द इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज द नंबर्स फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इज कॉल्ड विलीज विच इंक्रीज द सर्फेस एरिया एंड एब्जॉर्ब. द विलीज आर डीसली सप्लाई बाय द फूड ब्लड वेसल विच टेक द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड टू ईच एंड एवरी सेल्स ऑफ द बॉडी. वेर इज यूटिलाइज फॉर द ऑप्टेनिंग एनर्जी बिल्डिंग्स अप न्यू टिश्यूज एंड रिपेयर एंड ओल्ड टिश्यूज. मीन्स अब ये देखो पूरे डाइजेशन हमारा हो चुका है. ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल्स के अंदर फर्स्ट माउथ के अंदर स्टार्च का ऑब्जर्प्शन हुआ था, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट और फैट का. तो अब ये क्या करता है कि उसके अंदर हमारे एक विली टाइप मतलब हेयर टाइप्स अवेलेबल होता है. हमारे एक पार्ट विली बोलते हैं, ये विली जो क्या है कि उसके अंदर ब्लड वेसल्स अवेलेबल होते हैं. ठीक है, जो फूड वाले जो पार्ट है ठीक है उसको पूरे बॉडी के अंदर वो सप्लाई करते हैं. क्यों? कि भाई उसको एनर्जी के लिए ठीक है एनर्जी के लिए पूरे बॉडी के अंदर वो सप्लाई करते हैं. इसीलिए पूरे बॉडी के अंदर हमारी ये टिश्यूज अवेलेबल. और कोई ओल्ड टिश्यूज जो डेथ हो चुकी है ठीक है उसको न्यू करना है, उसको रिपेयर करना है, ये भी वर्क करता है. तो एंड अनएब्रोड फूड इज सेंड इन लार्ज इंटेस्टाइन. मतलब अब जो बचा हुआ जो फूड है जो वेस्ट है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा और वहाँ से क्या होगा हमारा एनस के थ्रू वो बाहर आ जाएगा. ठीक है, ये क्या पूरे जो एलिमेंट्री कैनाल्स जो हमने डिस्कस की. ठीक है, तो फर्स्ट माउथ से गया था, माउथ के बाद जो हमने एसोफेगस जो हमने एक पाइप देखी थी उसके थ्रू स्टमक में आया. स्टमक के अंदर क्या हुआ HCl प्रोटीन्स HCl उस पर हमने सेक्रेट किया था. ठीक है, वो क्या कर रहा था को थ्री चीज़ अवेलेबल थी. ठीक है, म्यूकस भी अवेलेबल था, वो एसिडिक मीडियम को वो क्या प्रोटेक्ट कर रहा था. उसके बाद हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में गया. स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या हुआ कि हमने फैट का इमल्सन्स किया मतलब उसको ब्रेक किया, प्रोटीन को ब्रेक किया और कार्बोहाइड्रेट तीनों तीन को हमने कन्वर्ट किया. ठीक है, वहाँ पर कन्वर्ट होगा और जो बचा हुआ कहाँ पर जाएगा स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जाएगा और एनएस के थ्रू वो बाहर आएगा. दिस इज़ अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट. आपको ये प्रिपेयर भी करना है और ये रिमेंबर रखना है. आई होप आप लोग अंडरस्टैंड आएगा. इफ एनी डाउट इफ एनी क्वेरी तो आप कॉमेंट्स में डाल सकते हो. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.